में रविवार को पहली बार भगोरिया हाट मेला लगा। इस दौरान हजारों की तादाद में ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ा। यह हाट में अंचल के कई स्थानों से आदिवासी महिला पुरुष और बच्चे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीण 20 से 25 ढोल मांदल भी लेकर पहुंचे, जिसकी थाप पर ग्रामीणों ने सामूहिक नृत्य कर भंगोरिया हाट का आनंद लिया। भंगोरिया हाट में बड़ी संख्या में दुकानें भी लगी थी, जहां पहुंचकर ग्रामीणों ने खाने पीने और होली के सामान की खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिलवाद थाने के साथ बाहर से आया पुलिस बल तैनात रहा। सरपंच साहब, क्या क्या तैयारियां की आपने इस भगोरिया को लेकर के? भगोरिया का हमने क्या करा, पहले तो मैंने बाइट दे चुका हूँ, उसमें गांव वाले को विचार विमर्श करके गरम सभा ली 18 तारीख की। उसमें हमने समिति गठित करी और आसपास के लोगों को हमने खबर करी, पाम्पलेट छपवाए और लोगों को आना करके बोले तो भी ढोल लोग भी आ गए। कितने क्या ढोल आए हैं? ढोल कम से कम 25-30 आ गए होंगे। और क्या क्या व्यवस्था लगाई आपने? बस टेंट वगैरह लगाए, पानी की भरपूर व्यवस्था करी हमने जी। और जो हमारे से जो बने गांव वालों के सहयोग से बाकी सब लोग खुश है। प्रशासन की ओर से पूरी पुलिस फोर्स आई है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा हमारा। और भगोरिया का शुभारंभ करने के लिए कोई अतिथि को बुलाया आपने? हाँ, अभी आ रहे हैं बलवंत भाई पटेल और दोनों सांसद को फोन लगाया है, वो भी आ रहे हैं। हो सकता किसी कारण से मतलब देर हो गई हो, बाकी वो लोग भी आ रहे हैं। और गांव में कुछ लोग विरोध कर रहे थे जी, बाकी वो विरोध उनके जगह उनका विरोध करने का काम है। बाकी भगोरिया सफल रहा, अच्छा रहा। सभी भगोरिया वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आदिवासियों को। ठीक है, जितने भी हमारे भाई बेटे आए भगोरिया देखने, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल भी अच्छा तैयारी के साथ भरेंगे, अगली बार भी मतलब अच्छा भगोरिया भरे, ऐसा हमारा उम्मीद है। ठीक। बड़वारे संजय बामनिया की रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. मॉडर्न होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के साथ जानिए अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीजों का उपचार, जीवन भर दवाई लेने वाले रोगों की रोकथाम एवं 300 प्रकार के अस्थायी जटिल रोगों की चिकित्सा के बारे में।